अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपने प्रति पूर्ण जागृति है, और जब वो पूर्ण जागृति होगी उस समय जो एहसास होगा, जो अनुभव होगा, वो किसी का पढ़ाया हुआ नहीं होगा, वो आपका अपना होगा, आपका खुद का होगा। आपके अनुभव से कोई व्यक्ति सहमत है या नहीं है, पर क्योंकि अनुभव है तो आपका विचलित होना असंभव है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अध्यात्म एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। अध्यात्म हमें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण सिखाता है, किसी सूरदास की तरह उन्हें मारना या उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं। तो मंत्र है पूर्ण नियंत्रण, वशीकरण, अपने ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल। ओम तत्सत, दाता याद है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों के मन में जिज्ञासा है कि धर्म और अध्यात्म इनमें क्या फर्क है। मैंने इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है, लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें, साधारण रूप में अगर आप देखें, तो धर्म क्या है? धर्म मानव रूप में एक व्यवस्था के साथ जीने का तरीका है जो जानवरों में नहीं है, और वो पद्धति जीने की, वो रिचुअल्स, वो व्यवहार, वो हमारी क्रियाएं हमें परमात्मा के साथ जोड़ने का यत्न करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अगर है तो वो ये है कि आप परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं जब तक आप स्वयं से नहीं मिलेंगे। मानव जीवन में एक व्यवस्था के अंतर्गत जीना एक मान्यता है, एक विश्वास है, और विश्वास हमारे अनुभवों के आधार पर निर्मित है, हमारे विचारों के आधार पर निर्मित है, और विचार बदलते हैं। इसलिए हमारे रिचुअल्स, हमारे विश्वास, हमारे करने का तरीका, सही या गलत का भेद, वो भी बदलता है। इतना ही नहीं, विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों संप्रदायों में ये विश्वास अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता, उनके अनुभव और समाज में जीने का तरीका क्या होना चाहिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार पर निर्भर है। पर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपने प्रति पूर्ण जागृति है, और जब वो पूर्ण जागृति होगी उस समय जो एहसास होगा, जो अनुभव होगा, वो किसी का पढ़ाया हुआ नहीं होगा, वो आपका अपना होगा, आपका खुद का होगा, जहां से आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि वो आपका अपना अनुभव है। आपके अनुभव से कोई व्यक्ति सहमत है या नहीं है, पर क्योंकि अनुभव है तो आपका विचलित होना असंभव है। पर उस खोज के लिए क्या जरूरी है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम बात करते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस की, शारीरिक चेतना और आत्मिक चेतना की। क्या फर्क है? आत्मिक चेतना यानी कि आप, शारीरिक चेतना यानी कि भौतिक प्रकृति के प्रति चेतना, उसके प्रति झुकाव। और भौतिक प्रकृति क्या? हमारा शरीर भौतिक प्रकृति का ही हिस्सा है। बहुत सारी मान्यताएं हैं कि आत्मा क्या है। जिस चीज को देखा नहीं है, जिस चीज को अनुभव नहीं किया है, उसके बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा है,
या बताया गया है या विभिन्न संप्रदायों के अलग अलग मत या विश्वास हैं। पर आपके मन का प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है कि जब ये शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा शरीर से चली जाएगी। अगर आप ये मानते हैं कि आत्मा शरीर से चली जाएगी तो इसका क्या अर्थ है कि आत्मा कोई वस्तु है, कोई अंग है जो शरीर में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं व्यवस्थित है। मेरा मानना थोड़ा इससे अलग है। मेरा मानना यह है कि हमारा शरीर एक ऊर्जा से चलता है, एक ऊर्जा से निर्मित है। हमारे प्राण, या जिसे आप प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, वो आत्मा द्वारा प्रचालित है, आत्मा द्वारा निर्मित है। आत्मा का अगर शरीर में कोई भी स्थान है तो आत्मा को ढूंढना असंभव नहीं हो सकता। आधुनिक विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने, शरीर का कोई एक ऐसा अंग है जहां पर छानबीन ना की हो, जहां का पता ना हो। तो अगर कोई भी चीज है, चाहे कितनी भी सूक्ष्म है, उसके स्थान का पता होना, चाहे वो दिखाई देने से भी छोटी है, तो भी उसके स्थान का पता होना संभव है और अभी तक हो जाना चाहिए था। लेकिन ऊर्जा, शक्ति, प्राण ऊर्जा जिससे हमारा ये शरीर निर्मित है, चल रहा है, जीवंत है, उसका कोई स्थान नहीं है। और इसलिए मेरा मानना यह है कि हमारे शरीर में आत्मा का कोई स्थान नहीं है। आत्मा का एक अपना अस्तित्व है और वो अस्तित्व एक शरीर में बंधित नहीं है। उस अस्तित्व द्वारा जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, आत्मा, उस अस्तित्व द्वारा हमारे शरीर को प्राण ऊर्जा मिलती है। और मेरा मानना यह है, मेरा अनुभव यह है, मेरी जागृति यह है कि मन भी शरीर का हिस्सा नहीं है। मन आत्मा का हिस्सा है और इसीलिए मैं शारीरिक बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भौतिक बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। भौतिक बुद्धि या ब्रेन जिसे आप कहते हैं, उसका काम निर्णय लेने में हमारा सहयोग करना है कि ऐसा करें कि ऐसा ना करें। मन दोनों काम करता है, मन निर्णय लेने में सहयोग भी करता है और मन उस अनुभूति का एहसास भी करता है जो उस कार्य को करने से होती है। अच्छा कार्य है तो आनंद की अनुभूति, बुरा कार्य है तो दुख की अनुभूति। और वो अनुभूति मन द्वारा हम करते हैं, हम का मतलब है कि आत्मा करती है। तो हमें यह समझना होगा कि हम यानी आत्मा परमात्मा का, इस ब्रह्मांड का एक ऐसा अंश है जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है और उसके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और मन आत्मा का बाहरी हिस्सा है, आउटर लेयर है, जिसके द्वारा आत्मा यानी हम अपने शरीर द्वारा कार्य करवाते हैं, मन के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा निर्मल है, अजर है, अमर है, उसे कुछ नहीं होता है। तो जो हमारे कर्मों के प्रभाव हैं, जो हमारे कर्मों के इंप्रेशंस हैं, जो छाप है, पिछले सारे जन्मों में हमने जो जो भी किया है और जिसका फल हमें आज तक नहीं मिला है, वो सब छापे, वो सब इंप्रेशंस, उससे हमारा मन निर्मित होता है। और मन जो है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अध्यात्म क्या है और क्या सिखाता है। अगर आप इसको बहुत गहराई से देखें, अति सूक्ष्म
दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करें तो अध्यात्म एक रास्ता है, अध्यात्म एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। अध्यात्म हमें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण सिखाता है। किसी सूरदास की तरह उन्हें मारना या उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं। तो मंत्र है पूर्ण नियंत्रण, वशीकरण, अपने ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल। अब अपने के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कैसे हो? हम यानी आत्मा मन द्वारा शरीर से जुड़े हैं, मन द्वारा हम शरीर से कार्य करवाते हैं। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके द्वारा हम काम करते हैं। लेकिन काम करता कौन है? काम तो मन करता है। बुद्धि द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं। मन और बुद्धि दोनों के संगम से हम शरीर द्वारा, अपने अंगों द्वारा, अपनी इंद्रियों द्वारा कार्य करवाते हैं। अब उनका नियंत्रण, उनका वशीकरण अध्यात्म का एक मार्ग है, जिससे आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं और उच्चतम ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। और वो उच्चतम ऊंचाई क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, दाता में विलीन होना, आत्मा से परमात्मा बन जाना, उस गहन ऊर्जा में अपने आप को विलीन कर देना। और अध्यात्म द्वारा अगर हम अपने अंगों के मालिक बने और अपने अंगों को अपने पर यानी अपने मन पर, जो कि आत्मा का हिस्सा है, शासन न करने दें। अब प्रश्न उठता है कि अध्यात्म के बारे में यह जानकारी ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो कि हम अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण कर लें, वशीकरण जिसे बोलते हैं, कि हम अपनी इंद्रियों से जो चाहें वो कार्य करवाएं और वो कार्य आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, अध्यात्म से प्रेरित हो, और हमारे मन पर किसी भी प्रकार की छाप ना छोड़े। तो ऐसा सिर्फ तभी संभव है अगर आप अपने मन को अपनी इंद्रियों से, शरीर से, बॉडी कॉन्शियसनेस से हटाकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ, आत्मा की तरफ, अपनी स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट जो कि आत्मा का केंद्र बिंदु है, उस तरफ मोड़े, तो आपके जो निर्णय होंगे वो आध्यात्मिक होंगे। आपके जो निर्णय होंगे वो आपकी आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा प्रेरित होंगे। और जब आप आध्यात्मिक बुद्धि की बात करते हैं, जब आप सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, आत्मिक चेतना की बात करते हैं, तो उस समय पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक नजर आता है। और वहां पर अपने लिए किसी भी तरह का लालच या किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं रह जाती। वहां सिर्फ एक ही दृष्टिकोण रहता है और वो है एकात्मक दृष्टि का, वननेस का, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। आज इतना ही। धन्यवाद।